जी बच्चों आज हमारा चैप्टर ट्वेल्व का लेक्चर नंबर नाइनटीन है और आज के लेक्चर में हमने ट्वेल्व चैप्टर के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको वन बाय वन डिस्कस करना है सबसे पहले ट्वेल्व पॉइंट वन शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको इसकी स्टेटमेंट नजर आ रही है पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू गिवन रीजन ऑफ स्पेस इज और नॉन जीरो इन दैट रीजन Uh, यानी वो ये कह रहे हैं कि किसी एक रीजन में अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी होगी या नॉन जीरो कर लें हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और ये दोनों लाइक चार्जेस हैं फर्ज कर ले उस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज है ये तो हम पहले ही जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पर दरमियान में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है यानी अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करूंगा ना आप गौर कीजिए अगर मैं प्लेट्स के बिल्कुल पैरेलल एक सरफेस कंसीडर कर लूं अब चूंकि इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स दोनों प्लेट से एक जैसे डिस्टेंस पे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी सरफेस के ऊपर हर point, हर पॉइंट, पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है यानी हम कह सकते हैं कि इन इन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अगर पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जैसा है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जीरो होगा और हम ये तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डेल्टा आर अगर डेल्टा बी जीरो जीरो नहीं भी हो सकती यहां तो हम कह सकते हैं कि यस ई e और इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो तो एक केस है हम अगर दूसरा केस देखें ना गौर से देखिएगा अगर मैं उस प्लेट को तो पॉजिटिव ही रहने दूं लेकिन इस प्लेट को नेगेटिव कंसिडर कर लो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी मेरी तरफ होंगी। अगेन अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक इमेजनरी सरफेस कंसिडर करें जो इन दोनों प्लेट्स के पर पैरल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका का एंगल है अगेन उस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम है हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है ये एक पोटेंशियल सर्फिस है यानी पोटेंशियल की वैल्यू अगर सेम है इस पूरे सरफेस के ऊपर तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा जीरो आएगा लेकिन ये बात याद रखें यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर जगह पे नजर आ रही हैं यानी यहां पे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो नहीं है वो तो इस सर्फेस के साथ नाइन्टी के एंगल पर मौजूद है जो आपको नजर आ रही है So, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो फिर आप आगे इसके दो केसेस बता देंगे जो मैंने आपको केस वन और केस टू बताया केस वन में इक्वल और लाइक चार्जेस थे और केस टू में इक्वल चार्जेस कंसीडर कर लें और साथ अनलाइक चार्जेस कंसीडर करें फिर आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अलैक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज यानी ट्वेल्व पॉइंट टू जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट आप सामने देख भी रहे हैं यहां हमने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है देखिए एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है और अगर आप इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी अब आप गौर करें अगर मैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं चार्ज से अवे जा रहा हूं और अगर मैं चार्ज से अवे जा रहा हूं तो डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था

यानी अगर मैं चार्ज से अवे जा रहा हूं तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कमी आएगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कमी आएगी हम कह सकते हैं बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोनों डिक्रीज करेंगे और साथ आप ये वाली एक्सप्लेनेशन दे देंगे अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली देखिए ये जानने के लिए कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से एक मेथड हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं आप इसके लिए क्या लिखेंगे वी विल यूज इलेक्ट्रोस्कोप हम यहां पर एक इलेक्ट्रोस्कोपिक मशीन है जो सामने आप देख रहे हैं इसमें एक कंटेनर सा होता है जिसके अंदर वैक्यूम होता है और आपको ऊपर एक मेटल की प्लेट नजर आ रही है जो रॉड की मदद से जिसको हम अंदर तक लेके जा रहे हैं और नीचे रॉड के साथ दो छोटे छोटे गोल्ड के लीव लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं इसे कहते हैं गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप अब फर्स्ट कर ले मैंने इस इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही पैदा कर दिया हुआ किसी भी तरीके से ठीक है अब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया अब अगर जिस प्लेट के बारे में हमने चेक करना है कि इस पर कौन सा चार्ज है अगर मैं उस प्लेट को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो डिस्क लगी हुई है आपको नजर आ रही है उसके करीब लेके जाऊंगा देखिए आपने कनेक्ट नहीं करना आपने अटैच नहीं करना सिर्फ उसके करीब लेके जाना है तो क्या होगा अगर तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जब रिपल्शन होगी तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा और आप गौर करें दोनों जो लीव्स है अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये दोनों लीव्स एक दूसरे से अवे जाएंगे यानी इन लीव्स के दरमियान जो फासला है वो बढ़ेगा हम कह सकते हैं कि लीव्स जो है इनमें डाइवर्जेंस बढ़ रही है ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं यानी हम कह सकते हैं कि अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से ही आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटर की प्लेट करीब लाने पर ये दोनों लीड्स एक दूसरे से अवे जा रहे हैं इसका मतलब है उस प्लेट पर भी वही वाला चार्ज था यानी पॉजिटिव चार्ज था लेकिन अगर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होना था जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसने अट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ जाना था और नीचे गोल्ड लीव के जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आनी थी और गोल्ड लीव्स ने एक दूसरे के करीब हो जाना था इसका मतलब है अगर पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के जो दोनों लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस बढ़ेगी तो समझ लें कि जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और अगर उस उन दोनों लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस में कमी आएगी तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था तो यह है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर भी सामने लिखा नजर आ रहा है और साथ एक्सप्लेनेशन डायग्राम की फॉर्म में भी हमने आपको समझा दी है। अब चलते हैं fourth short question की तरफ। जी fourth short question, में वो कह अब इसके आगे दो पार्ट है पहले हम पार्ट ए को देखते हैं पार्ट ए में वो कह सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस यानी फर्ज कर दो प्लेट्स हैं जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं और इन दोनों पे सिमिलर चार्ज है यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और इक्वल भी है यानी दोनों की मैग्नीच्यूड भी सेम है वो कह रहा हैं कि इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी लगेगी देखिए ये तो हम जानते हैं लाइक चार्जेस के अगर इक्वल और लाइक चार्जेस हैं, उनके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और अगर आप था इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्ज को अगर मैं से जाहिर कर दूं तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा क्यू नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब चूंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगी यानी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी अब हम बात करते हैं सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट की में वो कह रहा है विद ऑपोजिट ऑपोजिट एंड एंड इक्वल इक्वल चार्जेस चार्जेस यानी दोनों प्लेट्स पे अब हम पार्ट बी कर रहे हैं दोनों प्लेट्स पे चार्ज की मैग्नीच्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन ऑपोजिट है यानी फर्स करने उस प्लेट पर पॉजिटिव और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अब दरम्यान में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगी आप गौर करें दोबारा उसी फॉर्मूला की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो सो इलेक्ट्रिक फोर्स वुड ऑल्सो बी नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो लगेगी और वो किस डायरेक्शन में लगेगी अगर दरम्यान में यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसमें वो कह रहे हैं ट्वेल्व पॉइंट फाइव आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस देखिए आपको याद होगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर अटेंड किया है उसमें हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आखिरी प्रॉपर्टी जिसमें हमने सेम यही पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती उसकी रीजन क्या है वो हम यहां पे डिस्कस दोबारा से कर लेते हैं देखें फर्स्ट कर लें मैं दो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी दोनों तरफ कोई ना कोई चार्ज है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कंसिडर कर लेता हूं और मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अब आप गौर करें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर अगर मैं इस फील्ड लाइन के लिहाज से देखूं तो टेंजेंट की डायरेक्शन कोई और बन रही है और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर मैं उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो डायरेक्शन कोई और आ रही है लेकिन किसी भी वेक्टर की किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है लेकिन यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो एक से ज्यादा डायरेक्शंस आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल तो इसका आंसर आप यही देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड नेवर क्रॉस इफ दे क्रॉस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे मे हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल